मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें मुमरा में जो नया रोड बनाया गया है एमएम वली का रोड, इस रोड को जो है नाम रखने को लेकर इसकी काफ़ी चर्चाएं शहर में हो रही हैं कि आखिर ये रोड तो बनकर तैयार हो गया है, स्ट्रीट लाइट भी लग गई हैं, वहाँ से लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। ऐसे में लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस रोड का नाम क्या रखा जाए। और एमआईएम के जो पूर्व नगर सेवक है शाह आलम, उन्होंने ठाणे महानगर पालिका से मांग की है कि एमएम वली का जो रोड मित्तल का बनाया गया है इसका नाम जो है शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा जाए। हमारे साथ एमआईएम पार्टी के पूर्व नगर सेवक शाह आलम भाई हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। शाह आलम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने ठाणे महानगर पालिका में जो है लेटर दिया है और मांग की है कि मित्तल का जो एम एम वलियाला रोड है उस रोड का नाम शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि मुमरा शहर मुसलमानों की एक आबादी का शहर है और वीर अब्दुल हमीद जो 1965 में जो जंग हुई थी, इन्होंने उस वक्त मतलब बहुत ज़बरदस्त काम किया था और इनको परवीन चक्र भी इनको मिला है। तो मेरी ऐसी मांग है कि थाना महानगर पालिका ने जो अपना बजट दे के ये रोड बनाया है मित्तल से लेके एमएम वैली तक, करोड़ों रुपए का ये बजट का रोड तैयार हुआ, माशाल्लाह रोड भी अच्छा हो गया, लाइट वगैरह लग गई। तो अब हमने ये अपने आयुक्त साहब से मांग की है कि जो महानगर पालिका ने इतना बड़ा बजट दी इस रोड को बनाने के लिए, मुमरा शहर के अंदर एक नया रोड बना है, तो मैं हमारी एक ख्वाहिश थी यार, हमारी ये मांग है, एमआईएम पार्टी की ये मांग है कि हम इस रोड का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा जाए। ये मैंने आयुक्त साहब को लेटर दिया है। अभी आपने लेटर दिया, आगे कुछ आयुक्त साहब से आपकी मुलाकात वगैरह भी हुई इस मामले पर? सिर्फ लेटर दिए आपने? नहीं आलम, आज मैं करीबन 2 घंटा बैठ के इंतजार किया साहब से, लेकिन आज क्या हुआ कि मतलब आज बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी थाना महानगर पालिका में कमिश्नर साहब के साथ में, तो मैंने लेटर दे दिया अपनी मांगने का और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन के अंदर मैं कमिश्नर साहब से खुद डायरेक्ट मिलूंगा और ये इस नाम के ऊपर चर्चा करूंगा कि ये नाम रखा जाए। हमारे शहर के लोगों की मांग है कि मुमरा शहर के अंदर वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये रोड का नाम रखा जाए। शालम भाई, आपने तो जो मांग किए है शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से इस रोड का नाम रखा जाए, ये कहीं ना कहीं मुमरा शहर के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन उस रोड पर आप देखेंगे मित्तल से जैसे ही आप एंट्री करते हैं, रोड तो बन गया है, अच्छा खासा रोड है, लेकिन वही समस्या जो मेन रोड पर है वहाँ पर भी धीरे धीरे आते जा रही है, लोग गाड़ियाँ जो है वहाँ पर पार्क करना शुरू कर दिए। तो आप लोग नाम के लिए तो लेटर वगैरह दे रहे, लेकिन आप लोग वो गाड़ियाँ वहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए भी आरटीओ के सीनियर से भी मेरी मुलाकात होने वाली कल इंशाल्लाह, कि जब रोड कंप्लीट हो चुका है बन के, तो हमारी ये मांग है कि इस रोड पर दोनों साइड जो ट्रैफिक जो गाड़ियाँ पार्क होती है इनको ना होने दिया जाए, ताकि शहर की जिस तरीके से शहर के अंदर परेशानी हुई तो उसकी वजह से तो ये रोड बनाया गया, इस रोड को बनाया गया कि मतलब शहर से ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, उस ट्रैफिक को हटाने के लिए वो किया जा रहा है कि मतलब मुमरा शहर के अंदर जो ट्रैफिक है जब वहाँ पे भी लोग पार्किंग करेंगे तो मतलब क्या रहेगा, तो उस हिसाब से इसको कर दिया जाए कि मतलब यहाँ पे गाड़ी नहीं रखी जाए, तमाम रोड क्लियर किया जाए ताकि शहर के लोगों को आने जाने को आसानी रहे और ट्रैफिक इससे नहीं हो, इसीलिए तो ये रोड बनाया गया। व्यवहार कई बार किया जाता है लेकिन वही फिर फाइन वगैरह मार के छोड़ दिया जाता है, गाड़ी वहीं पर खड़ी रह जाती है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा जाता है कि उनके पास जगह नहीं, गाड़ी कहाँ लेकर जाए। नहीं नहीं, तो जब ये शहर का रोड चालू वजह है, पब्लिक को भी मालूम है गाड़ी यहाँ से जाएगी नहीं, वो जब ऐसे ही रोड पर खड़ी करते हैं और सेम स्थिति मेन रोड की तरह उस रोड पर भी धीरे धीरे बनते जाए। नहीं नहीं, तो अगर मेन रोड पे भी ऐसे हो गया वहाँ भी नहीं, नहीं, इंशाल्लाह जिस तरीके से मतलब शहर के अंदर था ना ट्रैफिक, लोग पार्किंग करते थे, हकीकत बात है उसी की वजह से और ज्यादा ट्रैफिक हो रही थी, रोड इतना चौड़ा होने के बाद भी पार्किंग की वजह से हो रहा था, तो उसकी वजह से अभी ये जो नया रोड बना है, तो हमने मतलब कमिश्नर साहब से भी मैंने ये लेटर दे रहा हूँ और अपने ट्रैफिक इंचार्ज जो सीनियर है उनको भी ये लेटर दे रहा है कि उस रोड के ऊपर किसी की भी पार्किंग नहीं होने दिया जाए, इस रोड को एकदम फ्री किया जाए ताकि लोगों शहर के लोगों को आने जाने की तकलीफ ना हो और वो जो इलाका है वहाँ पे जो नाले के किनारे जो आबादी ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ की, तो उन पे वहाँ 1 से 2 बार जब पुलिस खुद टाइट होगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जब टाइट होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो रोड एकदम फ्री हो जाएगा।
अभी रोड तो बन चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से अभी जो इसका गेट वगैरह बन रहा है तो उसकी ओपनिंग के मैं कुछ जहाँ तक अंदाज है कि उसकी ओपनिंग ओपनिंग जिस दिन हो जाएगी पूरे तरीके से, तो वहाँ से सारी गाड़ियाँ हटा ली जाएगी इंशाल्लाह ताला, रोड क्लियर हो जाएगा शहर के लिए। हालांकि जो एमएम अली का मित्तल रोड है उसकी जो है बताया जा रहा है कि ओपनिंग भी जल्दी होगी, लेकिन जो नाम है उस नाम को लेकर शहर में चर्चा भी काफ़ी तेज हो रही है। ऐसे में एमआईएम पार्टी की तरफ से भी शहीद वीर अब्दुल हमीद जो है नाम रखने की मांग थाने मनपा से की गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर एमएम अली मित्तल का जो रोड है इस रोड का नाम क्या वाकई में जो एमआईएम पार्टी की मांग है वही नाम रखा जाता है या फिर कोई और नाम रखा जाएगा।